जो एक ब्राइड की लाइफ का सबसे बड़ा डी डे होता है, दैट स्पॉइल्ड, क्योंकि ये मोमेंट्स दोबारा मेरी लाइफ में कभी नहीं आएंगे। मेरे बहुत सारे प्लान्स थे, मैंने अपनी लाइटिंग का एक थीम रखा हुआ था, डेकोरेशन का थीम था गजीबो, जो मैं हमेशा से चाहती थी, लाइव फ्लावर्स हो, मेरा ड्रेस कोड अच्छा हो, हम सब कजन्स ने ड्रेस कोड रखा हुआ था, और ये एकदम से सब कुछ स्टॉप हो गया, कुछ वैसा बिल्कुल नहीं हुआ जो हमने प्लान किया हुआ था। मेरा शादी का जोड़ा आएगा कि नहीं आएगा, और आई हैव टू जस्ट गो इन अ फिरन, वो भी नहीं मुझे पता है कि वो घर वाले लेके आ सकते हैं लाल चौक से कि नहीं। अब हम परेशान थे कि जब हमने लोगों को बुलाया है, इनवाइट किया है, कि हम उनको क्या देंगे यहाँ खाने के लिए। इतना जो है कश्मीरी वाजवान जो माना जाता है, जिसमें 100-200 बर्तन लगते थे, पकाने वाले कम से कम 10-20 होते, ये देख लीजिए हालत ये है कि आजकल की देख लीजिए, दो आदमी पका रहे हैं। अब खुद ही आप अंदाज़ा कर लगा दीजिए कि अवेलेबिलिटी क्या है मार्केट में। मैं फ्राइटेंड हूँ कि हमने जोर से कुछ कहा, बाहर से कुछ हो तो नहीं जाएगा, हम यहाँ जोर से बच्चे हंस रहे हैं, कहीं बाहर से कुछ तो नहीं होगा। इवन तो कोई चीज़ कोई बंदा लेने गया, उसको अगर टाइम लग रहा है तो अंदर ही वो खौफ बैठ रहा है कि बंदा ठीक से वापस आएगा भी कि नहीं। जहाँ वो होगा बड़ी खुशी से लोग झूमते नाचते, तो अब वो रेस्ट्रिक्ट हो गया, अब घूमना नाचना बजाना तो वो रह गया, अब तो एक फॉर्मेलिटी है, एक बाप की बेटी को विदा करना, बस वही एक रह गया और कुछ नहीं। वो एक्साइटमेंट जो मुझे ब्राइड वाली एक्साइटमेंट थी, वाव पहले मेरी शादी हो रही है, अब वो बस है कि हाँ शादी हो रही है। आई जस्ट वॉन्ट टू क्राई एंड आई जस्ट वॉन्ट टू टेल मोदी दैट यू स्पॉइल्ड माई डी डे।